एक फोटो है जिसमें सबने वीआर सेट लगा रखा है और जकरबर्ग ऐसे ही घूम रहा है और उसका कैप्शन है अ ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है वो एक स्टेटमेंट देता है, उसको पूछा कुछ तो सामने वाले ने पूछा कि भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो, लोगों के दिमाग खराब कर रहे हो ऐसा। उसने सिंपल सा बोला, जो भी चीज लोगों के लिए अच्छी है वो फेसबुक कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, हमारी कंपनी के लिए, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। उनसे पूछा गया कि भाई क्या सीन है, तो बोले हमको जानबूझ के ऐसे ऐप बनाने पड़ते हैं, ऐसी रील दिखानी पड़ती है, सामने वाला एडिक्ट तो उसका दिमाग खराब रहे, दिन भर वो उसी पे लग रहे। तो आज के समय पे ना हम पहले बोलते थे हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, आज के समय पर हर बंदा सोशल मीडिया के हाथ की कठपुतली है। नेटफ्लिक्स क्या कहता है, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है? नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है? नींद। कि आदमी सो गया तो हमें कौन देखेगा। आज के समय पे इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पे सबसे बड़ा स्कैम यही है। एक व्यक्ति आएगा भाड़े की लेम्बोर्गिनी से उतरेगा, वो दुबई में अगर आप जाओगे तो आपको 80,000 के रेंटल पे मिल जाएगा। गलती से अगर उस बंदे ने स्क्रैच या एक्सीडेंट करवा दिया तो उससे 15-20 लाख रुपए ले लेते हैं। एक बंदा बस ये दिखाने के लिए कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है, वो जितनी गड्डियां दिखाता है उसके लिए उसको महीने में एटलीस्ट 200 बार ATM जाके उसको बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे, जितने की लिमिट भी नहीं देगी बैंक, कहीं ना कहीं उस पर रेड ही लग जाएगी। 2007 से ज्यादा लोग अनहैप्पी रहना शुरू कर दिए, पता है क्यों? क्योंकि तब आ गया इंटरनेट और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा, ठीक है। इंटरेस्टिंगली स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू हो रहा है, स्टीव जॉब्स कौन? एप्पल जिसने निकाला हुआ है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकता फोन है। स्टीव जॉब्स से पूछा गया कि बोले एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने बच्चों को नहीं देते हो, उन्होंने क्या बोला? आईपैड। आईपैड। बिल गेट से पूछा गया कि भाई ऐसी कौन सी चीज है जो तुम अपने बच्चों को 15 साल की उम्र तक नहीं देते हो, बोले फोन। तो बड़े लोग ये गेम समझ गए हैं और हमारे वाले बच्चा रो रहा है, ले यार फोन पे लगा दो इसको। टिकटॉक के सीईओ ने कहा कि मैं मेरे बच्चों को टिकटॉक चलाना अलाउड नहीं है, उसका भी इंटरव्यू है, मेरे बच्चे को नहीं दूंगा मैं। Exactly. और एक फेसबुक की अभी मैं फोटो एडिटर साहब ढूंढ के लगाना, एक फोटो है जिसमें सबने वीआर सेट लगा रखा है और जकरबर्ग ऐसे ही घूम रहा है और उसका कैप्शन है अ ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। अरे बाप। आप खुद उसने सबको ड्रग दिला दिया तो खुद को दिखाएगा। अरे आप खुद देखो, जब कांग्रेस का भी ये चल रहा था जिसमें मार्क जकरबर्ग को आंसर देना था, वहां पर एक स्टेटमेंट दिया था मार्क जकरबर्ग ने। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है वो एक स्टेटमेंट देता है, उसको पूछा कुछ तो सामने वाले ने पूछा कि भाई तुम बहुत गलत कर रहे हो, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हो ऐसा। उसने सिंपल सा बोला, जो भी चीज लोगों के लिए अच्छी है वो फेसबुक कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, हमारी कंपनी के लिए, तो हम वो चीज नहीं करेंगे। तो आप खुद सोचो, एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है, आप जाके लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे, एक सीरीज है जहां पर कि एक्स इंस्टाग्राम के एम्प्लॉयज और फेसबुक के एम्प्लॉयज, मेटा के एम्प्लॉयज आए, उनसे पूछा गया कि भाई क्या सीन है, तो बोले हमको जानबूझ के ऐसे ऐप बनाने पड़ते हैं, ऐसी रील दिखानी पड़ती है, सामने वाला एडिक्ट तो उसका दिमाग खराब रहे, दिन भर वो उसी पे लग रहे। मैं बताता हूँ सीरीज का नाम, तो सोशल डिलेमा है। और एक आप इसी सोशल मीडिया पे एक है द ग्रेट हैक, वो ब्रेक्सिट के ऊपर है कि कैसे आपको लगता है कि मैं डिसाइड कर रहा हूँ जीवन, मुझे लगता है मैं डिसीजन ले रहा हूँ, तुमसे डिसीजन दिलवाया जा रहा है, तो मतलब मेरे को ये पार्टी पसंद है, करवाई जा रही है। Exactly. मुझे आदमी पसंद नहीं है, अरे करवाया जा रहा है भाई। तो आज के समय पे ना हम पहले बोलते थे हम तो ईश्वर के हाथ की कठपुतलियां हैं, आज के समय पे हर बंदा सोशल मीडिया के हाथ की कठपुतलियां है। और ये और एक और बुक मैं रिकमेंड कर देता हूँ, हुक्ड करके बुक है, नीरायल की, है मेरे को नीरायल की। वो साइकोलॉजी का प्रोफेसर है स्टैनफोर्ड वगैरह से, वो भी ये कह रहा है कि भाई हमारे का जो बेस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है, जिनका काम होना चाहिए कि हम वर्ल्ड पीस पे हारमोनी पे काम करें, वो काम कर रहे हैं कि तुम्हारा ब्रेन बिजी कैसे हो जाए और तुम प्रोडक्टिविटी से दूर कैसे रहो। वो कुल मिला के कहने की भैया तुम उस पर हो भाई, उनका के आर ए क्या है, उनको पैसे किस बात के कि मिस्टर एक्स वाई जेड आपकी सैलरी 10 करोड़, तो 10 करोड़ की सैलरी आपका टारगेट ये है कि हमारी ऐप पे एवरेज लोग 2 घंटे बैठते हैं तो अगले साल 3 घंटे बैठने चाहिए, और 4 घंटे बैठा दिए तो बोनस है 20 करोड़ का। Exactly. अब वो अपनी सारी स्ट्रेटजी कहीं पे लगाएगा, थोड़ी देर और बैठ जा भाई, थोड़ी देर और बैठ जा। नेटफ्लिक्स क्या कहता है, हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है? नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन कौन है? कौन है? नींद। वो उसका बयान है, सही बात है, बयान है, हमारी लड़ाई नींद से है कि आदमी सो गया तो हमें कौन देखेगा। हम तो चाहते हैं आदमी 8 घंटे सोता सोता 4 पे आए, और 4 घंटे जो कम सोए वो नेटफ्लिक्स पे आए। 5 तक तो ले आए हैं, वो ले आए, वो और ले जाएंगे। ऐसा ना हो सोने ही बंद कर दे, ज़ॉम्बी बन रहे, ज़ॉम्बी बना के छोड़ दे, ज़ॉम्बी देखते देखते। परफेक्ट। जितने लोग इंस्टाग्राम पे नोटे उड़ा रहे हैं ना, नोटों की बारिश हो रही है, गड्डियां ये दरवाजा खोल रहे हैं, 4 गड्डियां गिर रही हैं, मैंने बस उसको उस वीडियो को डाउनलोड किया, जूम किया, मैंने बोला यार इतना पैसा भाई खतरनाक है, जूम करके मेरे को दिखा चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया।
मैं बोला भाई ये तो अलग ही चल रहा है, ये तो साला नोट भी नकली निकल रहा है चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। आज के समय पे इंस्टाग्राम और ट्विटर और यूट्यूब पे सबसे बड़ा स्कैम यही है। एक व्यक्ति आएगा भाड़े की लेम्बोर्गिनी से उतरेगा, वो दुबई में अगर आप जाओगे तो आपको 80,000 के रेंटल पे मिल जाएगा। आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये 80,000 तो ज्यादा कुछ है नहीं आप लोगों के लिए, मतलब जो बंदे को बड़ा बिजनेस करना है उसके लिए डेढ़ घंटे के लिए एक घंटे के लिए उसको मिल रही है। इसमें बड़ा कैच ये रहता है कि गलती से अगर उस बंदे ने स्क्रैच या एक्सीडेंट करवा दिया तो उससे 15-20 लाख रुपए ले लेते हैं। तो उसको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस उतरते हुए शूट करवाना है उसको, तो उसमें क्या ही है। तो पहली बात तो भाड़े की गाड़ियां रहती हैं। दूसरी चीज, मैं आज भी ये सोचता हूं कि कितने लोग बेवकूफ हो सकते हैं जो ये मानते हैं कि ट्रेडिंग जो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सब कुछ इंटरनली आपका ट्रांजैक्शन होता है, पैन में रिकॉर्ड होता है, इंटरनेट पे ट्रांजैक्शन होता है, एक बंदा बस ये दिखाने के लिए कि इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है, वो जितनी गड्डियां दिखाता है उसके लिए उसको महीने में एटलीस्ट 200 बार ATM जाके उसको बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे, जितनी की लिमिट भी नहीं देगी बैंक, कहीं ना कहीं उस पर रेडी लग जाएगी। वो बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, वो एक रील 200 बार विड्रॉ कर रहा है। भाई साहब आप चले जाओ, अगर दिल्ली में हो तो सरोजनी में चले जाओ या तो कोई दूसरी जगह पे चले जाओ, पूरा बंडल आपको आराम से ज्यादा 1500-2000 रुपए में मिल जाता है बंडल। आप आराम से 3-4 ले जाओ, आप भी पैसों में ना हो, ऐसे खतरनाक वाली चीज है। क्योंकि ये सबसे बड़े बेवकूफ है, असली पैसा होता तो इनकम टैक्स की रेट ऐसी लग जाती है। नहीं अभिषेक जी ये कह दो ये झूठ है, ये प्राइवेट जेट भी झूठ है, ये लंबोर्गिनी भी झूठ है। आपको पता है इंस्टाग्राम का जो सबसे बड़ा स्कैमर था कुछ विदेशी था, हम्पी या कुछ ऐसा नाम था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। वो बंदा क्या करता था, वो भी यही करता था, ये प्राइवेट जेट, ये वो दुनिया भर की सारी चीजें वो करता था। उसने तो ब्रांड्स को भी उल्लू बना दिया, वो ब्रांड भी नकली दिखाता था, उसके चक्कर में असली ब्रांड उसको स्पॉन्सरशिप देने लग गए थे कि अरे भैया गुची वाला है, अरमानी वाला ये देने लग जाए। जब उसके उधर छापे पड़े, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से चोरी करता था बहुतों के, जब छापे पड़े तो पता लगा ये बहुत बड़ा स्कैम है। तो भैया एक नंबर का झूठ है ये, इंस्टाग्राम पे जितने लोग नोटों की बारिश कर रहे हैं वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के नोट है, वो कोई असली नोट नहीं है। पहली चीज तो ये हो गई। अब बात करते हैं टर्मिनल, मतलब इनका जो टर्मिनल दिखाते हैं ट्रेडिंग का, वो घर का नहीं, वो नासा का लगता है। ऐसा लगता है नासा के रॉकेट रिसर्च सेंटर पे बैठे हैं, 15 टर्मिनल चल रहे हैं, ये चार्ट वो चार्ट, कमोडिटी इतना क्या देख रहे हैं उनको भी नहीं पता वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, एट द एंड इधर वो दिखाएंगे 1000 रुपए का ट्रेड चल रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए उनके पास 10 लाख रुपए का सेटअप रहेगा। अब मैं सिंपल सा, मैंने स्टार्टिंग में बिल एक्मैन की बात करी थी, बिल एक्मैन 90,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, कितने 90,000 करोड़, और उसकी टीम में 4 लोग हैं, स्क्रीन छोड़ो 4 लोग हैं। 90,000 करोड़ वाला 4 में कर ले रहा है, और ये 900 रुपए वालों को 15 स्क्रीन चाहिए, ये गजब ही चल रहा है इधर का। तो ये दूसरी बात कहती है।